फ्रेंड्स, वेलकम टू माई YouTube चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीज़ेस। तो हम आज के टॉपिक में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, उनसे होने वाली डिजीज़ेस और उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन से 1 से 5 साल के बच्चों में क्वाशरकोर नाम की डिज़ीज़ हो जाती है और एडल्ट में मैरस्मस नाम की डिज़ीज़ हो जाती है, जिसके सिम्टम होते हैं वेस्ट मसल्स, मसल्स का लॉस हो जाना, रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ का रुक जाना, स्वेलिंग लेग्स, लेग्स जो हैं फूल जाती हैं जिसे ऑयडेमा कहा जाता है, डायरिया की प्रॉब्लम होने लगती है और रेडिश हेयर्स। ये प्रॉब्लम जो क्वाशरकोर और मैरस्मस है उसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स में हम लोग दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन 4 होते हैं, ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन 2 हैं, बी एंड सी। हमारा पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिज़ीज़। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, डिफ़िकल्टी टू सी इन नाइट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी के कारण क्या होता है, देखने में रात में प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स नाम की डिज़ीज़ हो जाती है। रिकेट्स के सिम्टम होते हैं नॉक नी। नी का क्या होता है, जो घुटना होता है उस ना तो मुड़ पाता है। इसके अलावा बो लेग्स, लेग्स जो है वो बो शेप्ड हो जाती हैं ड्यू टू लो कैल्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाता है ऑफ डेवलपिंग बोन्स, डेवलपिंग बोन्स में। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी की वजह से मैक्रोसिस्टिक एनीमिया नाम की डिजीज़ हो जाती है। इसका सिम्टम क्या होता है, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाना, ब्रेक हो जाना। नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के की कमी की वजह से हाइपोप्रोथ्रोम्बोपिनिया, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में कमी, ब्लड क्लॉटिंग में डिफेक्ट हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन नाम के जो प्रोटीन होता है उसकी कमी की वजह से। नेक्स्ट आता है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन जो है वो होता है थायमिन, इसका केमिकल नेम। इसकी कमी की वजह से बेरीबेरी नाम की डिज़ीज़ हो जाती है, जिसका सिम्टम होता है रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ का रुक जाना, डीजनरेशन ऑफ बोन्स एंड मसल्स, मसल्स और बोन्स का डीजनरेट हो जाना। नेक्स्ट आता है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू जो है उसको केमिकल नेम है उसका राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की वजह से डर्मेटाइटिस नाम की डिज़ीज़ हो जाती है। डर्मेटाइटिस डिज़ीज़ में के सिम्टम होते हैं रफ, ड्राई और स्केली स्किन, स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम होता है नियासिन। नियासिन की कमी की वजह से पेलाग्रा नाम की डिज़ीज़ हो जाती है। इसमें भी डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन डिज़ीज़ हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम और डिमेंशिया। नेक्स्ट आता है विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव किसे कहा जाता है, एक्रोमोट्राइकिया, इससे डिज़ीज़ हो जाती है एक्रोमोट्राइकिया, मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, हेयर्स जो हैं वो ग्रे हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन का दूसरा नाम विटामिन एच भी होता है। इसकी कमी की वजह से एक्ने वल्गैरिस नाम की डिज़ीज़ हो जाती है, जिसमें पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी टेन। विटामिन बी टेन को विटामिन एम भी कहा जाता है, मतलब फॉलिक एसिड, इसका केमिकल नेम हो गया, स्प्रू नाम की डिज़ीज़ हो जाती है, जिसमें माउथ में अल्सर हो जाते हैं और इसके अलावा डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी ट्वेल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबालामिन। कोबालामिन कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, विटामिन बी ट्वेल्व होता है। पर्नीसियस नाम की पर्नीसियस एनीमिया नाम की डिज़ीज़ हो जाती है इससे, जिसमें लार्ज ओवल ऑफ फ्रेजाइल आरबीसी का फॉर्मेशन होता है इन बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो बहुत जल्दी ब्रेक होने लगती हैं। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।